बिग बॉस के घर में मिसअंडरस्टैंडिंग तो सबके बीच होती है, कुछ ऐसा ही जिया और जैड के साथ में भी हुआ, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे लेकिन दोनों ने बैठकर अपनी चीजें सॉर्ट आउट कर ली। इस मामले को सुलझाने में बड़ा हाथ कह सकते हैं अविनाश का है, क्योंकि उन्हें दोनों की फीलिंग्स पता है जिया और जैड की। कहीं ना कहीं फलक जैड को भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वही दूसरी तरफ अब देखा ही जा रहा है कि जब अविनाश जिया को समझा रहे थे कि जैड उनके लिए क्या फील करते हैं, कैसे उनका ध्यान रखते हैं, और जब वही प्यार या वही केयर उनको वापस नहीं मिल रहा है तो इसलिए कोई भी इंसान अपसेट हो सकता है, तो वही फलक भी हाँ में हाँ मिला रही है। ये मामला तो सुलझ चुका है, लेकिन इसी के साथ देखना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अब जो जिया और जैड की बॉन्डिंग आगे चलकर बनेगी वो किस तरह से होती है, क्योंकि इस रिश्ते को कई सारे नाम दिए जा रहे हैं। जैसा बिग बॉस के घर में वो उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन बाहर कुछ और ही पोर्ट्रे किया जा रहा है, जहाँ पर लोगों के अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कैसे ये लोग अपना रिश्ता बिग बॉस के घर में डेवलप करते हैं और कितना स्ट्रांग बनता है, और बाहर आने के बाद कितने अपने बॉन्ड को लेकर साथ में चलते हैं। वैसे आप लोगों को इनकी बॉन्डिंग कैसी लग रही है बिग बॉस के घर में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू टेली चस्का एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।